सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो बज रहे सुबह की अभी 10, तो हम तो मतलब 7 बजे से चल रहे हैं, यहाँ पहुँच गए हम सिमगा में, वही जगह यहाँ पे मैं और शुभम पहली बार मिले थे। जब साहिल भाई हॉस्पिटल पहुँच गए थे, वहाँ हमने गाड़ी खड़ी की थी और सुबह में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ताज ढाबा है। और हम यहाँ पे ना रुकते आते भी जाते भी, क्योंकि भाई की पहचान है यहाँ पे, मतलब भाईचारा ही है। यहाँ पे एक ट्रक सिंगार की दुकान भी है, वहाँ से हमने ले लिया। कहाँ गया? स्टेयरिंग कवर लिया, अभी तो बताएंगे। और व्हील कप ले लिए, और क्या लिया हमने? हाँ, और मिरर ले लिए, 2-3 जो जो सामान चाहिए था यहाँ से ले लिया। अब निकलेंगे यहाँ से रायपुर के लिए, रायपुर यहाँ से 60 किलोमीटर। चले जाओगे वीरे कल? अभी देखते हैं बनपुरी चौक जाके क्या बनता है, कौन जाएगा। पाजी जाना बड़ा जरूरी है, पाजी जाना जरूरी है। वापिस आऊंगा ना तो मैं कौन सा कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी कौन सी शादी हो रही है, मैं डोरी में जा रहा हूँ। वापिस आएंगे ना, वापिस कितने सोने। बस बस सर, चलते हैं भाई, फिर बढ़ रहे भाई रायपुर की तरफ। यहाँ पे ना पेट्रोल पंप आया, वो मैं आपको दिखा रहा, वो इंडिया का फ्लैग कितना सही लग रहा है यहाँ पे। वैसे हर पंप पे होना चाहिए, देखो कितने कितने फ्लैग होते हैं, कितना अच्छा लग रहा है पंप। हो यार, जिसको डीजल नहीं डालना होगा वही सोचेगा गोली मार थोड़ा डाल ही लेते भाई, क्योंकि भाई जो दिखता है बिकता है, अच्छा दिखेगा तो ठीक है भाई। अभी अपना रायपुर वो आ गया बोर्ड, 26 किलोमीटर है भाई, ओनली 26 किलोमीटर में रायपुर पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल पर, अपनी ट्रिप भी कम्प्लीट। आते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गाड़ी पे, जाते ही थोड़ा परेशानी की, आते हुए तो मस्त आराम से आए, मजे में चल रहे हैं। गौरव थोड़ा बीमार है, बैठा अभी कंबल में, दवाई थोड़ी दी है इसको, सुबह ब्रेकफास्ट करवा के पैरास्टामोल खिलवाई है एक, अभी आज भेजेंगे अंकल जी के साथ चेकअप करवाने डॉक्टर को अच्छे से, क्या क्या है प्रॉब्लम। तो गाड़ी का टायर पंचर है, फटा पड़ा है। तो भाई फाइनली पहुंच गए घर पे, मतलब आ गया अपना चौक बनपुरी चौक, थोड़ी साफ सफाई चल रही है, अब तो पुली पक्की होगी, पिछली बार कच्ची में गाड़ी चुराई थी, यहाँ पे वॉश करवाई थी, फिर से करवाएंगे। अब यहाँ जगह खाली करवा रहे हैं भाई लोग कि अपनी गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे, क्योंकि अपनी पक्की जगह यहाँ पे। तो यहाँ बहुत कीचड़ है यार, यहाँ गाड़ी कीचड़ बारिश की वजह से। खुशी हुई यार, मतलब घर पहुँचे, एक अपना ट्रिप कम्प्लीट हुआ, काफ़ी अलग टाइप का ट्रिप था इस बार। पहुँच के मंजिल पर मुँह भी धो लिया, अब कुछ काम से जाना भाई के साथ, वहाँ से आते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। कल घर निकलना, उसके लिए टिकट का भी करना पड़ेगा, पता करते हैं। वैक्सीन तो मैंने 2 लगाई है, कोई टेंशन नहीं है उसकी। गौरव बैठा चाय पी रहा है, बिस्किट और भाई ने दिए थे रात को आंटी जी ने, 4 भेजा था। फिर से एक बार दिल से थैंक यू। चलो रखो कैमरा में आया, फिर से आ गई भाई बरसात, और देखो गाड़ी बारिश में कितनी मस्त दिख रही है। और टिकट अपनी होगी कल की 8:55 यहाँ से फ्लाइट है, पर यहाँ से ना टिकट हमें करनी थी जम्मू की, पर वो बहुत महंगी थी तो हमने दिल्ली की कर दी है। कल दिल्ली पहुंच जाऊंगा 11-12 बजे एयरपोर्ट, मतलब कल ना ब्लॉग देख रहे हो तो तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँगा, तो वहाँ से फिर शाम को बस ले लूँगा, 7-8 बजे जाती है अपनी स्लीपर सीधी जम्मू की, तो मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग जम्मू। अभी बैठे भाई मनीष भाई के ऑटो में, और फर्स्ट टाइम कल, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा फ्लाइट में, आई होप देखते कैसा रहेगा, मतलब लाइफ का फर्स्ट। खुशी भी है यार, मतलब और इतना किराया यहाँ से ना 6,000 में हुई टिकट रायपुर से दिल्ली की, बस पे जाते 3,350 किराया लगता, 1500 है, पर एक 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5-2 घंटे में वहाँ से के बस ले लूँगा। वहाँ से भी थी फ्लाइट, पर वहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बस पे स्लीपर पे 1,000 रुपये किराया होगा, तो आपको पता पैसे नहीं खर्च करने चाहिए बिना मतलब कि भाई सोच समझ के इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत मुश्किल से कमाने होते हैं रातों में जाग जाग के। तो निकलते हैं बाइक के घर के लिए, कल सुबह फ्रेश होकर निकलना फिर। तो गौरव रुकेगा बाइक के साथ ही गाड़ी पे, तो मैं जो काम है, काम मेरा 26 को है, पर उससे पहले भी एक दो काम है, जो भी रहेगा, जो भी घर जाने का प्रोसेस है, क्या करना है क्या नहीं, सब काम निपटा के तो मैं भी जल्दी से वापस तुरंत से आ जाऊँगा भाई के पास। शायद भाई भी शिमला आ जाए तो गाड़ी लेके, तो मैं शिमला आ जाऊँगा, शिमला तो पास में पड़ेगा, वहाँ से बस में आ जाऊँगा शिमला। यहीं बैठे हैं भाई गौरव, यहाँ मस्त कमर में लेटा, दवाई खाई अभी इसने, अब देखते हैं अब जाएंगे भाई के घर। गौरव यहीं रुकेगा तो मेरे को सुबह निकलना है, शायद गौरव और शुभम भाई शाम को निकल जाएंगे गाड़ी लेके रात को, मैं तो सुबह निकलूँगा भाई के घर रुकूँगा। अगर भाई भी रुके तो फिर तो सुबह ही निकलेंगे सब, देखते हैं क्या बनेगा। सब कपड़े निकालने लगा, जो लेके जाने थोड़ा बहुत, जो गोप्रो लेके जाना, जो छोटा मोटा और सामान है जो मेरे को यूज़ है वो भी लेके जाना, बाकी जो गौरव को चाहिए वो गौरव रखेगा अपने पास। वो लाइटें उन्हें सब ऑन की, लाइटें बंद करना, लाइटें सब होने गाड़ी के अंदर वाली, और अंधेरा पड़ने वाला है भाई, 7 बजने वाले हैं। टाइम देखो भाई 18:06:38 हो गए मतलब, और मैं अभी थंबनेल टाइटल वगैरह डाल रहा हूँ अपनी वीडियो में, फिर चलते हैं घर। आज पूरा दिन ऐसे निकल गया भाई, बस कोई टेंशन में। अब कल का दिन भी बस सुबह फ्लाइट है फिर दिल्ली, एक 3-4-5 घंटे दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, थोड़ा घूमना वगैरह पड़ेगा, फिर शाम को बस से नेक्स्ट मॉर्निंग जम्मू। बज रहे भाई रात के अभी 7,
7:30 गौरव को भेजा हमने एक भाई के साथ मेडिसिन लेने डॉक्टर की शॉप पे, वापस चेकअप करवाने के, थोड़ा उसको खांसी वगैरह भी थी। यहाँ पे अपने भाई लोग आए, भाई भी ऐसा मिल रहे हैं, बस मिल के बातें कर रहे हैं, अभी निकलेंगे घर के लिए। पहला शुभम भाई को आज निकलना था, अब आपको सुबह जाना है, कल शाम को निकलेंगे भाई, सुबह मेरे को ड्रॉप करेंगे, पहले छोड़ेंगे, उसके बाद तब तक गौरव की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ये अपने बंटी भाई आए, भाई के बचपन के दोस्त, एक और भाई आए, सब बस यहाँ पे रील्स बना रहे हैं, क्योंकि भाई अपनी वॉइस में रील्स बनाते हैं, तो बस आप बना रहे हैं, बताएंगे आपको। और गाइस बज रहे हैं रात के 10, और भाई लोगों से बातें करते करते टाइम का पता भी नहीं चला, सब भाई के अपने अपने घर, और हम भी जा रहे हैं भाई के घर, हम भी अपने घर जा रहे हैं, बाकी सब भाई भी अपने अपने घर गए। अभी 10 बज गए, तकरीबन 12 बजे सोएंगे, और सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे तक रेडी होंगे, फिर निकलेंगे, देखते हैं। कल का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, इमोशनल भी रहेगा, और पता नहीं क्या क्या रहेगा। आगे भाई शुभम भाई के घर में, वो उस तरफ है सिटी और इस तरफ है रेलवे स्टेशन। मेरे को सुबह एयरपोर्ट जाना भाई, वो मुझे नहीं पता किस तरफ है। सुबह शुभम भाई जाएंगे कुछ छोड़ने के लिए, गौरव अंदर कर रहा आराम, मेरे को आ गया था घर से कॉल, तो मैं आ गया छत पे, घर पे कर रहा था बात, वही ना घर से भी परमिशन लेनी पड़ती ना, चाहे घर का बड़ा हो, पर भाई पेरेंट्स, चाहे इंसान जितना मर्जी बड़ा और उससे बड़े, उसके मतलब मैन चक्कर माँ बाप से पूछना चाहिए अब, क्योंकि गौरव को यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि घर से दूर है, तो मैंने एक बार उनको बताना जरूरी समझना यार, उनसे परमिशन ले लो कि हाँ मैं घर में आ रहा हूँ, तो मैं गौरव को यहाँ छोड़ के आ रहा हूँ, कल को बोले तू क्यों छोड़ के अपनी मर्जी से, तो बस वही बता रहा, बोले चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे शुभम भाई हैं, तो मुझे जितना टाइम लगेगा, शायद 10 दिन 12 दिन 15 दिन घर में जितना भी टाइम लगेगा, तब तक भाई के साथ रहेगा गौरव, कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं नीचे, खाना वगैरह खाएंगे। अभी बज रहे हैं रात के 12, खाना वगैरह अपना हो गया था, तो हम आए थे भाई राजू भाई की बाइक लेके, देखो बाइक तो, पर राजू भाई को अर्जेंट घर नहीं, मतलब अर्जेंट नहीं, उनको घर जाना था, पर उनके घर की जो चाबी है बाइक के साथ थी, वो घर से भी खज्जल हो गए, तो अभी शुभम भाई आगे घर जा रहे स्कूटी लेके, क्योंकि स्कूटी में फिर से आएंगे, और स्कूटी में वैसे भी सुबह चाहिए, एयरपोर्ट भाई ड्रॉप करेंगे, तो अभी वापस घूम रहे हैं बन इधर रायपुर सिटी में, कल जाएंगे न्यू रायपुर एयरपोर्ट, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में भाई, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एक तो घर जाने की अलग से खुशी है कि हाँ, मतलब दुख भी है यार, भाई भी नहीं जा रहा, और शुभम भाई भी नहीं जा पाए, और गौरव भी नहीं जा पा रहा, वो यहाँ पे है, और फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहा हूँ, उस चीज़ की खुशी है, कोई बात नहीं, जल्दी जाएंगे, कुछ काम से जा रहा हूँ, बस आप भगवान से दुआ करना, जिस काम से जा रहा हूँ वो काम बन जाए अपना, कोई टेंशन नहीं है। मतलब अपनी लाइफ ही ऐसी रह गई है कि टाइम से सोने का टाइम ही नहीं, अभी 1 बजे रात का, और भाई को बोल रहे हैं गुड नाइट जो भाई हैं यहाँ पे गाड़ी में, प्रताप भाई, नानू भाई, आगे शुभम भाई, बस अब हमारी स्कूटी वो खड़ी है, निकलेंगे घर के लिए, 1:30 बजे पहुँचेंगे, सोना सुबह 6 बजे उठ रहे, पहुँच के गए इस बादलों में, बादलों के ऊपर ऊपर, अभी भी डर ले रहा है, देखो कहाँ से कैसे जा रहा है।